पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची, लेकिन यहां पर पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावह तूफान कहा जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वे के बाद में पीएम मोदी ने यह कहा कि जब देश में कोरोना वायरस का संकट है तभी पूर्वी क्षेत्र में तूफान ने प्रभावित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस तूफान को लेकर तैयारियां की, लेकिन इसके बावजूद 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए। इस तूफान की वजह से संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें घर उजड़े हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती तौर पर 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का यहां पर ऐलान किया। इसके अलावा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का यहां पर ऐलान किया है मृतकों के परिजनों को। तो वहीं पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से विफर पड़ी। जी हां, इस पर उनका कहना है कि नुकसान 1,00,000 करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1,000 करोड़ का दिया जा रहा है। उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे। और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसर तो रह जाएगी, यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। तो वहीं कोरोना के संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट